उनका नाम है पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच गुजरात राज्य श्री जे के रावत। ये प्रसंग है 1982 का, साल बोलिए तो। लेकिन जैसे वो घर पहुंचे अपने, तो उनको देखा कि घर के आसपास बहुत लोग खड़े हैं, तो उनको याद आया कि नहीं, ऐसे कैसे मां जाएंगे, मैं बापूजी का अब शिष्य बन गया। एक छोटा सा अनुभव बता रही हूँ, फिर पूरा करते हैं। यही साबरमती का आश्रम, पर ये तब तक भवन नहीं बना था। सामने आपने मोक्ष कुटिया के दर्शन किए, वहाँ का प्रसंग सुना रही हूँ। ये प्रसंग है 1982 का, साल बोलिए तो। ये मेरे पास लिखित में आया है, इसलिए पढ़ के बता रही हूँ। 1982 में शिवरात्रि थी, चार अहोरात्रियों में, जैसे दीपावली की अहोरात्रि होती है, होली की, जन्माष्टमी की, ऐसे एक अहोरात्रि होती है शिवरात्रि की। तो शिवरात्रि का यहाँ सत्संग था, और एक पुलिस कर्मचारी यहाँ पर आए हुए थे, कोई उनको लेकर आया, और किसी ने उनको कहा कि यहाँ पर ब्रह्मज्ञानी संतों का स्थान है और यहाँ शिवरात्रि का जागरण होता है, और संभवतः अगर हुआ तो शिवरात्रि पर यहाँ दीक्षा भी मिलेगी। तो पुलिस वाले के कोई पूर्व के कर्म होंगे, उनकी ड्यूटी सामने रहती थी, तो वो ड्यूटी पूरी करके यहाँ पर आए और बापू जी को वहाँ पर विराजमान देखा, और बापू के ललाट पर जो ज्ञान का तेज था, ऐसे लग रहा था कि क्या पता ललाट में सूर्य भगवान उदय हुए हैं क्या। कई बार आप बापू जी के बहुत पहले के दर्शन कीजिएगा, अद्भुत आनंद बापू जी के ललाट से छलक रहा था। वो था तो पुलिस वाला, आया तो ड्यूटी से था, लेकिन जब बापू के मुख का नूरानी नूर देखा, वो बैठ गया, और बैठ गया तो कहा कि ये कब तक महाराज जी बैठेंगे। कहा पूरी रात बैठेंगे। तो कहा पूरी रात क्यों? तो आज शिवरात्रि है, जागरण करेंगे, तो मैं भी बैठ सकता हूँ। हाँ हाँ, आप भी बैठ सकते हैं। तो वो सहज में शिवरात्रि के जागरण में बैठ गए, और जागरण में उनको इतना आनंद आया, इतना आनंद आया कि उनके रोम रोम खिल उठ रहे थे जब बापू कीर्तन और जप करवा रहे थे, सत्संग करवा रहे। तो उन्होंने मन में ठान लिया कि मैं गुरु बनाऊंगा तो इनको ही बनाऊंगा। अब न तो कोई उनका परिचय था, न तो कभी वो पहले आश्रम आए थे, बस सहज में शिवरात्रि का जागरण करना चाहिए, एक हिंदू ने सुना था और बैठ गया। लेकिन बैठने के बाद उनको रंग लग गया, उन्होंने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने जीवन में खूब अनुभूति की। लेकिन जैसे वो घर पहुँचे अपने, तो उनको देखा कि घर के आसपास बहुत लोग खड़े हैं, तो जैसे वो प्रवेश किए तो कहा क्या हुआ, सब लोग क्यों खड़े हैं? तो कहा आपकी माँ की आखिरी सांसें चल रही हैं, जल्दी चलो अंदर। तो वो जल्दी माँ के पास पहुँचे और अपनी माँ को, उनका सिर जो है गोद में रखा, और सिर पर हाथ रख के कहा माँ क्या हुआ? तो माँ ने कहा बस मेरा जाने का समय आ गया है। तो उनको याद आया कि नहीं, ऐसे कैसे माँ जाएंगी, मैं बापूजी का अब शिष्य बन गया हूँ, अब मैं अपने गुरु से प्रार्थना कर सकता हूँ कि आप ही कुछ मार्गदर्शन करें। तो वो तुरंत वापस आश्रम में आया है। कुछ देर बाद बापू ने मोक्ष कुटिया के द्वार खोले, कहा तुम तो कल आए थे ना जागरण में, फिर अभी क्यों आए हो? तो कहा स्वामी जी घर गया, पर मेरी माँ जो है वो आखिरी सांसें गिन रही हैं, आप मेरे माँ के लिए कुछ आशीर्वाद दें। इतना उनका बोलना, और बापूजी के एक और तुलसी की एक माला पड़ी थी, गुरुजी ने वो माला हाथ में उठाई और हाथ में ही रखी इस तरह। बस मैंने कहा ना, यदि वह संकल्प चलाए, तो अगर आप मेरा केस कभी डॉक्टर को दिखाओगे ना, तो ये कहेंगे कि बस इनकी उम्र 25-30 साल थी, लेकिन आज गुरु कृपा से मैं 48 साल की आपके सामने बैठी हूँ। और ये गुरु कृपा का प्रत्यक्ष चमत्कार दूसरा बता रही हूँ। बापू ने तुलसी की माला ली और उस पुलिस वाले को हाथ में दी और कहा जा तेरी माँ को पहना दे, ईश्वर भला करेंगे। वो आया और अपनी माँ को गले में माला पहनाई, और थोड़ी देर बाद उनकी माँ को चेतना और आई, शाम तक उनका श्वास और चलने लग गया। रात को धीमी आवाज़ में बोली मुझे थोड़ी भूख लगी है। तो इतने दिनों बाद उन्होंने फिर कुछ खाना खाया, सुबह उनका थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट दिखा, तो जो रिश्तेदार आए थे उन्होंने कहा भाई अब तो ये संभल गई हैं, हम जा रहे हैं।
और दो दिन में तो सब लोग अपने घरों में वापस चले गए। और पुलिस वाले ने अपना अनुभव किताब में छपवाया है, पुरानी पुस्तक है योग लीला, उसी में से पढ़ रही हूँ, पढ़ के बता रही हूँ। उनका नाम भी दे रही हूँ आपको, उनका नाम है पुलिस इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच गुजरात राज्य श्री जे के रावत। उन्होंने एड्रेस दिया है शास्त्री नगर अहमदाबाद, यहाँ के वो रहने वाले। और फिर जब उन्होंने माला पहनाई अपने माँ को, तो एक साल तक उनकी माँ पुनः जीवित और स्वस्थ रही। और कहते हैं अनुभव में लिखा है कि जब ठीक एक साल पूरा हुआ, कुछ दिन शिवरात्रि की और हो गए, तो एक दिन उनकी माँ गले से माला उतारती हैं, मंदिर में रखती हैं और कहती हैं बस अब और नहीं, जो दिया है ये बापूजी का दिया हुआ है, बापूजी को ही मैं अर्पण कर रही हूँ। सुबह अपने अपने कंठ से तुलसी की माला उतार के मंदिर में रखी है और शाम को वो गुरु चरणों में समा गई। तो ऐसे गुरुद्वार पर आप बैठे हैं जहाँ की मिट्टी भी उठाकर आप तिलक करेंगे तो भाग्य बनेंगे। इस मोक्ष कुटीर की आप परिक्रमा करेंगे, इस बड़ दादा की आप परिक्रमा करेंगे, तो यहाँ लाखों लाखों करोड़ों के मनोरथ पूरे हुए हैं और लाखों करोड़ों का जीवन यहाँ ईश्वर से जोड़ा गया है, ईश्वर की ओर मोड़ा गया है।